व्हाट इज अप गाइस, फाइनली हर रोज की तरह मैं आज भी लेट हो गया हूँ। 2:30 इन आफ्टरनून मैं भी वहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे, अरे यार सॉरी बैठा हूँ, जहाँ पे हमने पिछली वाली पेंटिंग को बनाया था जो कि ये रही। तो एक्चुअली यहाँ साहिल नहीं आएगा, हमको अकेले ही करना पड़ेगा क्योंकि साहिल का आज कुछ फास्ट वगैरह है उसका। तो साहिल के घर में आज पूजा है और कल भी रहेगी, तो 2 दिन तक हमको अकेले ही जाना पड़ेगा। बट आज मेरे साथ आएगा गणेश, तो चलो जल्दी से चलते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। बाकी फालतू चीज़ें कुछ नहीं दिखाने का, और मिलते हैं आपसे स्कूल में। तो फाइनली हम पहुंच गए स्कूल में और हमारे साथ हैं आज गणेश की जगह हरीश, साहिल की जगह गणेश आने वाला था और गणेश की जगह हरीश आ गया, तो एडजस्ट कर लेते हैं। साहिल इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके घर पे आज पूजा थी, जिस वजह से वो नहीं आ पाया। तो फाइनली बारिश भी आ रही है और जल्दी से हम कलरिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको घर भी जाना है। अगर बारिश बंद नहीं हुई तो हमारे पास छतरी वगैरह भी नहीं है, घर से फ़ोन करके मंगाने पड़ेंगे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फटाफट से हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं घर को। तो फाइनली हरीश ने कलरिंग स्टार्ट कर ली है और हम भी इस वाली में कलरिंग स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे हार पे ड्राइंग क्योंकि इसको रेड कलर है और रेड कलर इसमें एक ही बार है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है और आज बिल्कुल भी मूड नहीं है हमारा पेंटिंग करने का, बट मौसम आज पेंटिंग का हो रखा है क्योंकि बहुत सारे बादल लगे हुए हैं, थोड़ी धीमी धीमी बारिश भी आ रही है, बट आज पेंटिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हरीश ने भी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है और साहिल ने बोला था मुझे कि उसकी पेंटिंग कंप्लीट करने को, बट यहाँ पर मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि मैं 3 बजे करीबन आया था यहाँ पर, शायद 3 बजे करीबन घर से निकला था। गणेश आया था मुझे यहाँ छोड़ने, मैंने सोचा कि वो मेरे साथ रहेगा, बट वो घर चले गया और फिर हरीश आ गया। तो हरीश आज मेरी हेल्प कर रहा है साहिल की जगह। हम काफ़ी दिन से फुटबॉल खेलने नहीं गए हैं क्योंकि मेरा तो फुटबॉल खेलने का काफ़ी मन कर रहा है, बट हम पेंटिंग के चक्कर में अभी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद 2-3 दिन का काम अभी और बचा है। तो अभी गणेश ने बोला है कि वो आएगा यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके क्योंकि उसके घर पे थोड़ा उनका घर का काम चल रहा था, किचन वगैरह बन रहा था, तो उसने कहा मुझे घर पे काम है इसलिए वो घर चला गया था। बट उसने कहा था कि मैं तुझे लेने आऊँगा गाड़ी लेके, तो देखते हैं अभी आता है कि नहीं, उसे फ़ोन करके देखेंगे। Oh,
फाइनली हमने पेंटिंग कंप्लीट तो नहीं की है बट आधी हो चुकी है कंप्लीट, और अब तो कल आएंगे हम मॉर्निंग में और फिर कल करेंगे इसे कंप्लीट। तो अभी अभी के लिए चलते हैं बस, लेट्स गो। तो अभी के लिए चलते हैं, लेट्स गो। तो फाइनली अगर आपको ये वाली हरीश वाली पेंटिंग देखनी है तो इसके चैनल पे चले जाना, सफर विद हरीश। और आपको मोटो ब्लॉग पसंद है तो वो भी हरीश, तो हरीश का चैनल है मोटो ब्लॉगिंग का, जरूर एक बार चेकआउट करना। तो यार इतना था बस आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लेट्स गो। तो इतना था बस यार इस वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, लेट्स गो। Let's go, I got it. Finally, हम जा रहे हैं घर को और काफी अंधेरा भी हो गया है, और मैंने आपको पिछले वीडियो में स्कूल नहीं दिखाया था तो मैं आपको स्कूल दिखा देता हूँ कि बाहर कैसा है स्कूल। तो फिलहाल चलते हैं हम अभी, गणेश को अभी नीचे कुछ काम से जाना है तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody.